आज इस वीडियो में हम निर्वाचन की भाग संख्या के बारे में जानेंगे। दरअसल जब आप मतदान करवाने जाएंगे और जब द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र फाड़ कर देंगे तो जो भाग शेष बचेगा अर्थात प्रतिपण पर आपको चार डिटेल अंकित करनी होगी, जिसमें जो पहली डिटेल है जो अंकित करनी है वह है निर्वाचन की भाग संख्या, जो दूसरी डिटेल अंकित करनी है वह है मतदाता का क्रमांक, जो तीसरी डिटेल आपको अंकित करनी है वह है मतपत्र संख्या और जो चौथी डिटेल आपको अंकित करनी है वह है मतदाता के हस्ताक्षर। तो इसमें जो तीसरा और चौथा क्रमांक है, जो तीसरा क्रमांक है मतपत्र संख्या तो ये तो पहले से प्रिंटेड होगा, और जो चौथा है मतदाता के हस्ताक्षर। तो जब भी आप मतदाता को मतपत्र फाड़ कर देंगे तो आपको मतदाता के हस्ताक्षर उस प्रतिपण पर करवाने होंगे। लेकिन इसमें जो क्रमांक एक और दो है, जैसे निर्वाचन की भाग संख्या और मतदाता का क्रमांक, ये दोनों क्या होते हैं इस पर हम विस्तार में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको अलग अलग उदाहरण देकर इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा और डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि एक्चुअली निर्वाचन की भाग संख्या क्या होता है। अब आपको स्क्रीन पर निर्वाचक नामावली लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी कि ये निर्वाचक नामावली है। इस पर लिखा है निर्वाचक नामावली 2020 S24 उत्तर प्रदेश, और इसके नीचे लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति। तो इस निर्वाचक नामावली की विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 385, विधानसभा क्षेत्र का नाम है अजगरा, और जो आरक्षण की स्थिति है वो ब्रैकेट में लिखा है अनुसूचित जाति। उसके नीचे लोकसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या है वो है 76, लोकसभा क्षेत्र का जो नाम है वो है चंदौली, और जो आरक्षण की स्थिति है वो लिखा है सामान्य। इसी निर्वाचक नामावली में जब आप दाहिने हाथ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है भाग संख्या 147, यानी कि जब आप विधानसभा और लोकसभा की निर्वाचक नामावली को देखेंगे तो उसमें भाग संख्या अंकित होता है। तो जब भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो मतपत्र को जब आप फाड़ेंगे तो उसके ऊपर जो प्रतिपण होगा उसमें निर्वाचन की भाग संख्या के स्थान पर आप 147 लिख लेंगे। देखिए आपको एक उदाहरण और देना चाहेंगे कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड के पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम, ये किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का वोटर आईडी कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है वो 385 है और जो नाम है वो अजगरा है। नीचे भाग संख्या और नाम लिखा हुआ है, तो देखिए भाग संख्या 127 है और जो नाम है वो है प्राथमिक पाठशाला मवैया कक्ष संख्या 2। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो उससे पहले वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाता है। तो विधानसभा चुनाव में जब आपको भाग संख्या लिखना होगा या भाग संख्या का नाम लिखना होगा तो आप 127 प्राथमिक पाठशाला मवैया कक्ष संख्या 2 लिख सकते हैं, आपका जो होगा वो आपको लिखना होगा। ये तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। और एक बात और है कि जब मतदाता मत देने आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो आईडी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड ही लेके आए और आप वोटर आईडी कार्ड के पीछे देखकर लिख लें। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचक नामावली में भाग संख्या लिखा होता है। अब आइए हम आपको पंचायत चुनाव के निर्वाचक नामावली दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए अभी तक हमारी चर्चा हो रही थी निर्वाचक नामावली पर, जो विधानसभा और लोकसभा से संबंधित थी। अब आपको स्क्रीन पर पंचायत निर्वाचक नामावली दिख रही होगी। अब अगर आप इस पंचायत निर्वाचक नामावली को देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी भाग संख्या लिखा हुआ नहीं दिखेगा। देखिए जब भी आप पंचायत चुनाव करवाने जाते हैं तो जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी होती है वो जो बूथ होता है वो उस पंचायत के वार्डों से मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक पांचवा हेडिंग है संबद्ध वार्ड, यहाँ पर संबद्ध वार्ड जो है वो 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो निर्वाचक नामावली है वो 1, 2, 3, 4 वार्ड की संयुक्त निर्वाचक नामावली है। इस निर्वाचक नामावली में आपको देखिए यहाँ पर चौथे क्रमांक पर मतदान केंद्र का नाम लिखा हुआ दिखेगा और उसकी संख्या लिखी हुई दिखेगी, जैसे यहाँ पर लिखा है 93 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर, और छठवें नंबर पर मतदान स्थल का नाम होगा जो लिखा है 281 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर उत्तरी छोर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पंचायत चुनाव करवाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की निर्वाचक नामावली दिखेगी, लेकिन जब आप मतपत्र को फाड़ेंगे तो उसके ऊपर आपको निर्वाचन की भाग संख्या लिखना होगा और यही हेडिंग भी होगी। तो वहाँ पर आप निर्वाचन की भाग संख्या के स्थान पर मतदान स्थल का नाम लिखेंगे, जो छठवें नंबर पर है यहाँ पर मतदान का स्थल वो लिखा है 281 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर उत्तरी छोर। ध्यान दीजिए आपको मतदान केंद्र का नाम नहीं लिखना है, आपको मतदान स्थल का नाम लिखना है। फाइनली लास्ट में हम आपको एक बार और समझाना चाहेंगे
कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो मतपत्र के प्रतिपण पर आपको निर्वाचन की भाग संख्या लिखना होता है जो कि निर्वाचक नामावली में अंकित होता है। लेकिन जब आप पंचायत चुनाव करवाएंगे तो प्रतिपण पर आपको निर्वाचन की भाग संख्या के स्थान पर मतदान स्थल का नाम और उसकी संख्या लिखना होता है, या तो खाली आप संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मतदान स्थल है 281 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर उत्तरी छोर, तो आप यहाँ पर केवल 281 भी लिख सकते हैं प्रतिपण पर, या अगर आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं 281 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर उत्तरी छोर। अब इसमें एक जानकारी और शेष रह गई है कि जब भी मतदाता मत देने के लिए आएगा तो सबसे पहले वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा और वो एक पर्ची लेकर आता है जिसमें उसकी वार्ड संख्या और क्रमांक लिखा होता है। तो आप उस क्रमांक के अनुसार मतदाता सूची में उसके नाम को आप कैसे खोजेंगे? देखिए, उदाहरण के तौर पर इस निर्वाचक नामावली में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक कॉलम बना है क्रम संख्या का, दूसरा मकान का नाम और तीसरा है निर्वाचक का नाम। तो आप उसकी पर्ची में जो भी क्रमांक लिखा है उसे इस निर्वाचक नामावली में देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 664 क्रमांक पर ठीक सामने मतदाता का नाम लिखा हुआ है। तो मतपत्र के प्रतिपण पर जो आपको निर्वाचक का क्रमांक लिखना होगा वो यही क्रमांक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से निर्वाचक नामावली की भाग संख्या क्या होता है इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आप जब भी पंचायत चुनाव करवाने जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको निर्वाचन की भाग संख्या लिखना होगा तो आप वहाँ पर मतदान स्थल का क्रमांक भी लिख सकते हैं, या आप मतदान स्थल का क्रमांक और उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी मतदान अधिकारी आगे आने वाले चुनावों में मतदान करवाएंगे उन तक ये सूचना पहुंचे और ये कन्फ्यूजन दूर हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।